हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली एनालिसिस ऑफ USD INR एंड MCX गोल्ड। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आर्ट्स पे USD INR और गोल्ड के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पर मिलता रहेगा। दोस्तों, पहले हम लोग USD INR का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद MCX गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस के वीडियो में ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटेजी शेयर किया था, तो उसी हिसाब से दोस्तों अगर आप लोगों ने लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा है और उसके हिसाब से प्रॉपर हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग किया है, तब जो है इस वीक को आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। दोस्तों, लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस वीक को मल्टीपल डेटा आने वाला है, तो उसी हिसाब से मार्केट में रेंज बाउंड वॉलिटिलिटी रहने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मार्केट में रेंज बाउंड वॉलिटिलिटी दिखा। और अभी हम लोग कल के लिए ट्रेड प्लान कर लेते हैं और उसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स अभी 102.82 के पास ट्रेड कर रहा है और दोस्तों क्रूड ऑयल अभी 77.76 के पास ट्रेड कर रहा है। टू वीक पहले डॉलर इंडेक्स 106 और 107 के रेंज में ट्रेड कर रहा था और अभी डॉलर इंडेक्स 102.82 के पास ट्रेड कर रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों डॉलर इंडेक्स में वीकनेस दिख रहा है। कल ओपेक प्लस कंट्रीज का प्रोडक्शन कट को लेकर डिसीशन आने वाला है, इस हिसाब से दोस्तों क्रूड ऑयल में थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है। दोस्तों, कल यूरोजोन और US का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और फ्राइडे को फेड के चेयरमैन का कमेंट्री भी आने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाला है और इसीलिए दोस्तों स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड प्लान करना सेफ रहने वाला है। दोस्तों, हम लोगों ने मल्टीपल वीडियोज में डिस्कस किया है, जब तक स्पॉट मार्केट 83.05 के ऊपर है हम लोगों को बाय साइड में रहना है। इस हिसाब से दोस्तों 83.05 के ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट है 83.10 के ऊपर 83.15 के ऊपर 83.18 के ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट 83.21 के ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट 83.25 के ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट 83.28 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट 83.31 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट 83.34 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट 83.37 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट 83.42 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट 83.46 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट 83.50 और 83.50 के ऊपर हम लोग का फाइनल टारगेट 83.55। तो यह रहा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अपसाइड का टारगेट। दोस्तों, जब तक स्पॉट मार्केट 83.05 के ऊपर है हम लोग बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं। इस हिसाब से दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाय कर सकते हैं कि 2 या 3 पैसा नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्पॉट मार्केट 83.34 के ऊपर रहता है और सस्टेन करता है तब जो है हम लोग 83.50 का कॉल बाय कर सकते हैं और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्लानिंग करके कल के ही ट्रेडिंग सेशन में एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों, 83.05 और 83 का जो रेंज है ये बनने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए नो ट्रेड जोन। और दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्पॉट मार्केट 83 के नीचे जाता है तब जो है हम लोग सेल कर सकते हैं कि नीचे हम लोग का फर्स्ट टारगेट होने वाला है 82.96, सेकेंड टारगेट 82.92, थर्ड टारगेट 82.87, फोर्थ टारगेट 82.80। अगर स्पॉट मार्केट 82.80 के भी नीचे जाता है तब जो है आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, तो अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तब जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पॉट मार्केट 83 के नीचे जाता है तब जो है हम लोग 82.50 का पुट बाय कर सकते हैं और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्लानिंग करके कल के ही ट्रेडिंग सेशन में एग्जिट कर सकते हैं। तो यह रहा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए USD INR का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग आज और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड मिनी का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, कल का ट्रेडिंग सेशन गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 30 नवंबर को यूरोजोन का और US का इन्फ्लेशन का अपडेट आने वाला है और दोस्तों कल ओपेक प्लस कंट्रीज का प्रोडक्शन कट को लेकर डिसीशन आने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट फ्राइडे US फेड के चेयरमैन का कमेंट्री आने वाला है, तो उसी हिसाब से दोस्तों मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाला है
इसीलिए दोस्तों लोअर क्वांटिटी के साथ और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान करना सेफ रहने वाला है। अभी हम लोग डेली चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 61,000 गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। 61,000 के नीचे 60,000 गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। और दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जब तक मार्केट 61,000 के ऊपर है हम लोग जो है बाय साइड में रह सकते हैं। तो उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में 700 से 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो अगर आप लोगों ने 61,000 या उसके नीचे के लेवल पे बाय किया है तब जो है आप लोग इस लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ हायर लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। वन आर के चार्ट पे इंट्राडे एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों वन आर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 62,600 और 62,800 के रेंज में गोल्ड को रेजिस्टेंस मिल रहा है। 61,500 से 61,600 का जो रेंज है ये गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। 61,600 के ऊपर 62,300 भी सपोर्ट बन गया है। अगर 62,300 का सपोर्ट ब्रेक होता है तब जो है गोल्ड फिर से 61,500 और 61,600 के रेंज में सपोर्ट ले सकता है। तो उसी हिसाब से दोस्तों अगर 62,300 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तब जो है डाउनसाइड 600 से 800 पॉइंट्स प्रॉफिट किया जा सकता है। और दोस्तों अगर 62,700 से 62,800 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तब जो है अपसाइड 63,500 से 64,000 के लिए टारगेट किया जा सकता है। रहा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड मिनी का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों आप लोग गोल्ड मिनी के एनालिसिस से गोल्ड मेगा में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूँ यूएसडी आईएनआर और गोल्ड का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चाहे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।